दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्टर राजन शाही ने टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट सीरियल दिए हैं और इनके सभी सीरियल्स में नया कॉन्सेप्ट और एक नई कहानी देखने को मिलती है। तभी तो दर्शक राजन शाही के सभी सीरियल को देखना काफी पसंद करते हैं और इनके सभी सीरियल टीआरपी के मामले में काफी ऊंचाइयों पर भी जाते हैं। तभी तो डायरेक्टर राजन शाही के इस सीरियल को देखना दर्शक काफी पसंद करते हैं। तभी तो राजन शाही आए दिन अपने नए सीरियल को ऑन एयर करते रहते हैं। वहीं अब राजन शाही एक और सीरियल देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर राजन शाही अपने इस सीरियल में टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों और एक हैंडसम अभिनेता को भी लेने वाले हैं? तो आखिरकार वो टीवी इंडस्ट्री की कौन सी अभिनेत्री और अभिनेता है जो राजन शाही के नए टीवी शो में नजर आने वाले हैं? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। और उससे पहले आप अपने फेवरेट डायरेक्टर राजन शाही के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्टर राजन शाही ने ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं और उनके सभी सीरियल की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आती है। वहीं आपको बता दें, डायरेक्टर राजन शाही इन दिनों अपने नए सीरियल को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और इस सीरियल में टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा भी नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, रुबीना दिलायक, दृष्टि धामी और देवो का देव महादेव सीरियल में माता पार्वती के किरदार को निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया को भी अप्रोच किया है। पर इन तीनों में से राजन शाही किसी एक को अपने शो में लीड रोल में रखने वाले हैं या फिर तीनों ही अभिनेत्री को कास्ट करने वाले हैं, और क्या तीनों ही अपने शो में धमाल मचाने वाली हैं? वहीं खबरें आ रही हैं कि राजन शाही के नए शो में तीनों लीड एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं। वैसे अगर इस शो में रुबीना, दृष्टि धामी और सोनारिका तीनों ही नजर आती हैं, तो राजन शाही के शो को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। जहां रुबीना दिलायक छोटी बहू शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे सीरियल में अपने किरदार को निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी और ये बिग बॉस 14 का खिताब भी जीत चुकी है, तो वहीं दृष्टि धामी भी मधुबाला जैसे कई सुपरहिट सीरियल देकर दर्शकों की चहेती अभिनेत्री बन गई है। इसी के साथ दृष्टि धामी टीवी इंडस्ट्री से दूर थी और अब इनके कमबैक से दर्शक काफी ज्यादा खुश हैं। तो वहीं सोनारिका ने पृथ्वी वल्लभ, देवो के देव महादेव और दास्ताने मोहब्बत, सलीम अनारकली जैसे शो देकर अपनी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ा ली है और लोगों के दिल में खास जगह भी बना ली है। ऐसे में अगर राजन शाही इन तीनों अभिनेत्रियों को अपने शो में लाने के लिए कामयाब हो जाते हैं तो इनका आने वाला शो काफी हिट हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि तीनों ही इस शो में नजर आने वाली हैं या नहीं, या फिर इन तीनों में से किसी एक को राजन शाही अपने शो में काम करने का मौका देते हैं। वेल, इस वक्त राजन के इस शो की गूंज सभी तरफ है। कहा जा रहा है कि राजन का ये शो काफी बड़ा और हटकर होने वाला है, साथ ही इसकी कहानी सोशल संदेश भी देगी और ये शो जनवरी 2022 में ऑन एयर किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, कुछ दिनों में राजन के इस नए शो के लीड एक्टर से पर्दा भी उठने वाला है। तो दोस्तों, आप रुबीना, सोनारिका और दृष्टि धामी को एक साथ राजन शाही के नए शो में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।